आप देख सकते हैं दादी कैसे रो रही है। और इतना ही नहीं, प्रशासन इस परिवार के ऊपर बर्बरता कर रही है। गांव वाले पहुंचे, इस घटना की तहकीकात किए, तब जाकर के उस बच्चे के लाश को उस घर से निकाला गया है। और निकालने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। तब जब कोई बच्चा छह पगल तू जा किया दे छी की बात छियो, आप छह का छह का खिड़की पर बत्तर पाल एते लत्ती देल बत्तर पटकोने आ खदिया के लिए कपार का पटक पटक मार ईटा सर पर चूर नहीं है। हैया बच्चा बच्चा को उठा का रोड पर लिया, ककरो नहीं जा दल के एना के घेर ले के तैयो ओकरा पछुआरा में है एगो लड़का चहर ले खिड़की में फैन के चढ़ल तो बच्चा के देखैया ते पुनिया दिए ने आ एते घास पात ओकरा टांग पर रखल ओ कोना पर बच्चा के तुरंत पकड़ के समाज उठा के बन्हा पर आन के पैर दिलक सब काना लगले जे हैया एकरे घर में छियो। हमरा छोड़ दलक सबके मौगी मुंसा के झाँट के पीट के टांग हाथ ओ थानेदार सहित सबको मार पीट के श्यामा बेटा के लग गया, बेटा बला के बेटा के लग गया रोड पर गट्टा टांग तोड़ के उनका छोड़ दिया। दरभंगा जिला के तारडी ब्लॉक अंतर्गत सकतपुर थाना के शेरपुर नारायणपुर पंचायत अंतर्गत गांव श्रीरामपुर दरगाह टोल के अंतर्गत मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटी है, जहां मात्र 2 साल के बच्चे को ईटा पाथर मार करके हत्या कर दी गई है। गांव वालों के ऊपर प्रशासन का डंटा चला है। साथ में आपको बता दें कि इस परिवार के लोगों के ऊपर भी प्रशासन का डंटा चला है। ये घटना 26 सितंबर को घटी है, जहां बच्चा को इस घर की महिला बुलंती देवी और उनकी पुता हुआ अर्चना देवी बच्चे को पकड़ के रख लिए थे, बेरहमी के साथ उस बच्चा का हत्या किए हैं। बता दे कि उस बच्चे को 26 सितंबर की दिन और रात्रि में उस बच्चे को सिलेंडर में बांध के रखे थे और अगले दिन उस बच्चे का शव मिलता है। क्या नाम है चाचा? सीता देवी। कैसे घटना घटी है? बच्चा खेला छा घर में सब मई दिन खेला मोबाइल लाल दिल हमारा पुतौ के जे कनिया मोबाइल लिया बुआ फोन केलक आ घूर के जा आपस कर बच्चा के पकड़ने चल गया हमारा अंगना अंगने से गली से लग चल गया सब तकल कतौ नहीं भेटल उ हमारा साथे टाडी ब्लॉक गेल 2 मंजिला पर चढ़ के नंबर लो पुलिस गवाह ओहो कटिया नंबर नंबर ललक पूरा दुर्गा थान गेल पूरा तकलक कतौ ने चिचिया चिचिया रहल सब परिवार पूरा गामक लोग ढूंढल कतौ ने बच्चा के बैठ कान कर प्रात के ना बच्चा के बैन छान के अंगन घरों गल कोठो वाला में गल घर से सामने वाला से हाँ अच्छा हाँ बच्चा में गल तक गांव गांव में घूमने छु तो गांव में कले बच्चा को खाइत आत खाइत आत ओ गांव में झला हन तब तो ये हन बगल सब बैठ रहल घर धन उचितिया मुचिया छी सब गांव के संख्या भेल बड़ा गेल गेल के तुरंत बच्चा तुरंत गेल कतौ सब भर ले बान सब लोग भर ले तकर बाद ककरो मन में आयल कि जे नहीं घर में तक कल कत बता गेल तक तुरंत बात छियो तो ओकरा घर गेलो उ नहीं जा दलक फेन घूरल फेन छौरा सब लड़का सब का मन नहीं भेल कहे ना इ जा किया दैया तो आगू टांग छान लेलक एगो के दाँत हबे गल के एगो बूढ़ा के दाँत हबे गल के गट्टा में हब कने छे एगो लड़का के टांग छान लेल के बुलंदी देवी। अच्छा किया मरु नहीं जोने छु हमर अंगना अंगना नहीं जाते चले ना कोठाला घर उठा वाला घर में नहीं चले आया आ तब कहलो ओका टेंपू लागल गेट पर टेंपू लागल पुतौ कह जा रिपोर्ट निकाल कनिया चलू रिपोर्ट निकाल चलू धंधार पर बुआ दवाई करबे ला टेंपू लागल तब जे कोई बच्चा छै पर गेल तू जा किया दे छी की बात छियो आ पछै के चढ़ के खिड़की पर बत्तर पर एते लत्ती देल बच्चा का पटकोने आ खदिया के लिए कपार का पटक पटक मार ईटा सर पर चूर नहीं है ईटा चूर के सर पर बच्चा के खून का जमा दिल सर पर कान दवा का वो रिपोर्ट में आब गेल छे आ तब बच्चा का ढुक के देखल तब बच्चा पटकल लत्ती अनहरल हैया बच्चा बच्चा को उठा का रोड पर लिया ओकरा पूछा बन देवी को तू जिया तो मार दे फांसी दे किछो दे
बच्चा नहीं रहब जीतो बच्चा के हम अपने जिया लेतो तो, के कहले थी ग्रंथी देवी जे मार कते के बाद ई बात बजे छे हमरा समाज कहलक बच्चा के जिया तू मार ली हमरा अपने बुझा जीतो बच्चा अगर फाज दबे तो बच्चा नहीं जी हम बेच दियो तू तकर बाद बच्चा का सब गौवा मिल के ठापा ठापा लाठी ठेना दिया लागल वो कोई आदमी पुलिस थाना का फोन केला पुलिस यार सामने मोकरा ब्रंदी देवी को अतने आदमी का भगा दिया अब ब्रंदी देवी को सब मिल के मारा पेट्रोल धर का कि से जाओ का मन में दुख हुआ बच्चा वहन बच्चा का मार दिया संभाल करो दिए ले दस ठेना माल गए पुलिस के मंगा लिया पुलिस आया सबको भगा दिया जो भागे तुम भागे किछ ने किया वो पुलिस वाला गया अपना घर तीन दिन चार दिन रह का सब पुलिसों के साथ दिया रह का तीन दिन बाद भाग गया ब्रंती देवी के साथ दे का पुलिस वाला आया 50 गो 60 गो चार गाड़ी अंगना से बांध तक हमरा उठाया चंदा चप्पल कहाँ है श्याम चप्पल कहाँ है अथी दे ला कहेला कुछ कुछ बिया निकालिए पकड़ लिया श्याम चप्पल गट्टा तोड़ दिया टांग तोड़ दिया उसी बाबा के घर में जाए ऊपर जाया दस टा पुलिस पकड़ कर लाया ओकरो मारा सब मौगी के सब महिला के सब पुलिसवा टांग हाथ तोड़ के गोड़ तोड़ के झट्टा पकड़ के कोतवाल तक घर ढीक कर लो जाए 15 टा का लगे केबाड़ तोड़ के किछो नहीं कलक हमरा सब केबाड़ तबाड़ तोड़ के सब महिला के हम कहा बाप दे पुतों के दाँती लग गया हम खसी पुतों का मम्मी गिरा हमको छोड़ दिया बाप रो बाप पुतों मर गेल वो छोड़ दिए मौगी मुंसा का झाँट के पीट के टांग हाथ तेरे कोतवाल सहित वो थानेदार सहित सबको मार पीट कर श्यामा बेटा का लग गया बेटा बला के बेटा का लग गया रोड पर गट्टा टांग तोड़ के उनका छोड़ दिया भागी साला वो बाप के झंझट में भर्ती हुआ रिपोर्ट निकला गट्टा पत्थर किया तोड़ दिया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बर्बरता इस परिवार के साथ की जा रही है। चाची बता रही है कि एक तो इनका पोता जो मात्र 2 साल का था जिसकी हत्या बेरहमी के साथ की गई है, उस बच्चे का नाम आयुष था और आयुष जो इस दुनिया में आया ही था आखिर उसका कसूर क्या था। पुलिस प्रशासन इस परिवार के ऊपर बर्बरता कर रही है। 2-3 दिन बीत जाने के बाद प्रशासन आकर के इस परिवार के ऊपर पुलिसिया धौंस दिखाए हैं, परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट किए हैं और इतना ही नहीं कुछ और लोगों को पकड़ के ले गए हैं। क्यों ले गए हैं ये हम आपको बता दें। जिस समय उस बच्चे के लाश को इस घर से निकाला गया था उस समय जो महिला इस बच्चे के साथ दुर्घटना किया है उस बच्चे को बेरहमी के साथ मारा है उस बच्चे के मारने के एवज में गांव वालों का आक्रोश उस महिला के ऊपर टूटा। लाठी डंडे से मारपीट किया गया। जो प्रशासन उस मारपीट को लेकर के इस परिवार के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। आप एक माँ को देखिए उससे बड़ा वाला बच्चा ये है और इससे छोटा वाला बच्चा कितना बड़ा रहा होगा। माँ का दूध छोड़ा भी नहीं होगा। उस बच्चे का कत्ल बेरहमी के साथ बुलंती देवी ने की है। ये माँ है और इस माँ से पूछना चाहते हैं एक बेटा का दर्द कितना होता है ये आप लोग भी समझते होंगे। अर्चना देवी बुलंती देवी एक के जगह बैस कर बात करे चले हम कलिए हम नहीं बैसब हमर बउआ हरा गल हम ओकरा अंगना से चलि अइली एते बात बजलिए जे हमर बउआ हरा गल बुलंती देवी हमरे लागल इकलल सौंसे ताक ताक खड़ा पड़ गेल दुर्गा थान में हम अपन बाड़ी झाड़ी पोखरि इनार सौंसे सबके कहलू पूरा गौवा समाज के कहलू हमर बच्चा हरा गेल गौवा समाज हमरे तरफ छल जे अखनते बच्चा दूरा पर खेले छलो तोर बच्चा की भेलो सब बच्चा खेले छलो सब गौवा समाज कहे चले एते बच्चा खेले छौ बुलंती देवी कहलक हम अपना बरंडा पर बैसल छियो तोहर बच्चा ओ चौराहा पर गेलो ओ चौराहा पर गेलो ओ चौराहा पर से बच्चा के मुड़ी काटा पकड़ कर लो गेलो
गौवा समाज सब दूरे दूरे बैसल छल, कोई तो अपना दिमाग में लड़ेलक जो सब तो इतने बैसल छे, सब बच्चा के चिन्ह ही छले के बच्चा के लो जेते। दू गो लड़का घुसले तो ओकरा टांग पकड़ के छीन लेल के झिक देल के जने जो है ताई तकल को तो बच्चा का आर पता जे भी ताई के गेल छ हमरा घर से चेकिंग को गेल छ तइयो ओकरा के नहीं विश्वास ले। एगो बूढ़ा गेले ओकरा बूढ़ा के गट्टा में दांत काट लेल के, ककरो नहीं जा दल के एना के घेर लेल के, घेर लेल के बच्चा के। तैयो ओकरा पछुआरा में है एगो लड़का चढ़ल खिड़की में ठानि के चढ़ल तो बच्चा के देखैया तो पुनिया दिए ने आ एते घास पात ओकरा टांग पर रखल रखल है कोना पर। बच्चा के तुरंत पकड़ के समाज उठा के बन्हा पर आन के पैर दिल के सब काना लग ले जे हैया एकरे घर में छियो, यहाँ घर में छियो बच्चा मिल ले 10 बजे। आब सब गौवा समाज कहल के तोरा पूछे छल तू ताक ताक के लही तो कहती हो गैया बाबू छौ तू दी उ नहीं गछल के बच्चा इकल करके दर दवाई करा बच्चा के जिया केना के मरलिए ओकरा से इंतजार लेल के उ कल के हमरा बहुत नहीं है हमरा बतने तो हमने जिया सके छे उ जकल के हम नहीं जिए बा तो ओकरा समाज मिल कर मरल मरल का तुरंत पुलिस एले। पुलिस एले तो नहीं मारपीट कर दल के बुलंती देवी के लोग ले उठा कर लोग ले उठा कर आ उनटले हमरा आर ऊपर एले सब गौवा अथी दल के गवाह दल के जे हाँ बुलंती देवी मरल का ओ के चक्कर में सब गौवा के कल 12 बजे रात में आब कर जेंट्स खाली लेडीज के मरल के जेह पकड़ाई चले से देह में वस्त्रो नहीं पिन्हा दे चले जहिना तहिना बच्चा का छोड़ का आ बच्चा मइयो के लग ले उठा सब को उठा के लग ले और लग ले। हम घर में पड़ल बाबा चिची आए तो हमर घर वाला हमर दियोर सब एक के घर में छलो घर के लाठी लल पीट के दरवाजा तोड़ के निकाल के हमरा घर वाला के लग ले त से मारते कने बाबू हो बाबू नहीं मारा हो तो की कहे है नहीं मारे छी हम लाठी ठोके छी लाठी ठोके छी नहीं मारे छी हम घर वाला के एत से लो गए विषैया बांध पर तक मंडिल लंग तक मारत मारत लो गए हमारा घर वाला के गाड़ी में बैसेल फिर गाड़ी से नीचा उतार दिलक तैयो मारल आल तो हमारे घर वाला भागल धाने 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 नुका के भगल तो हे काल हम प्लस्तर करा के लोग। आप देख सकते हैं उस बच्चे का ये पिता है जिसके हाथ को प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है कल रात में आकर के इनके ऊपर और गांव वालों के महिलाओं और पुरुषों के ऊपर प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई है। गैस सिलेंडर में बांध करके लगभग 24 घंटे रखते हैं और 24 घंटे रखने के बाद उसके ऊपर ईंट पाथर मार करके हत्या किए हैं और गर्दन दाब के मार दी गई है। लगातार उस घर में खोजने का प्रयास किया गया लेकिन किसी को घर के अंदर जाने नहीं दे रही थी। उस बच्चे के लाश को उस घर से निकाला गया है और निकालने के बाद आप समझ सकते हैं कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। एक तो प्रशासन का खौफ, दूसरी तरफ वो दुदमुहे बच्चे जो इस घर का फूल सा बच्चा जो खिलखिला रहा था उसे मौत के घाट उतार दी गई है। समाज में इस प्रकार की घटनाएं घटेगी तो कोई किसी पर कैसे विश्वास करेगा। आप लोग का पड़ोसी था दियाद में है नहीं। आज दियाद में नहीं होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं ये आंगन इनका है और सामने में वो आंगन है, पड़ोसी है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर क्या विश्वास करेंगे। जब इस प्रकार की घटनाएं होने लगेगी तो कोई भी बच्चा अपने पड़ोसी को पड़ोसी के ऊपर सौंप करके कैसे जाएंगे कि थोड़ा देर देखिएगा, या कहे कि पड़ोसी एक सहयोगी होता है और आज सहयोगी ना होकर के दुश्मन बन गए हैं, उस दुदमुहे बच्चे का हत्यारा बने हैं। और इस दर्दनाक घटना को लेकर के आप लोग भी कमेंट करिएगा कि आखिर ये घटना किस प्रकार से समाज को संदेश दे रही है।